ये वीडियो में हम यूनिट ऑपरेशन के सेकंड पार्ट दैट इज साइज सेपरेशन को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने साइज रिडक्शन को कवर किया था, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, बॉल मिल एंड हैमर मिल को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर किया था। और अगर अभी तक आपने साइज रिडक्शन के वीडियो को नहीं देखा है तो आपको इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप साइज रिडक्शन के वीडियो भी देख सकते हैं एंड साइज रिडक्शन के PDF नोट्स भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ साइज रिडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, साइक्लोन सेपरेटर, सीव एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो साइज सेपरेशन के नाम से ही हमें पता चलता है कि साइज सेपरेशन का मतलब क्या होता है। अगर हम किसी दो या दो से ज़्यादा मटेरियल को उनके साइज के हिसाब से उन्हें सेपरेट कर देते हैं, उनके साइज के हिसाब से अगर हम उन्हें अलग अलग कर देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं साइज सेपरेशन। तो हम एकदम परफेक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं जिसे हम एग्जाम में लिख सके। सो साइज सेपरेशन इज डिफाइंड एज अ फार्मास्यूटिकल प्रोसेस बाय विच डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर। सो साइज सेपरेशन एक ऐसा फार्मास्यूटिकल प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को उनके साइज के हिसाब से सेपरेट कर देते हैं एक पर्टिकुलर मिक्सचर में से। सो इस डेफिनेशन को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर बड़े बड़े पत्थर भी प्रेजेंट है, छोटे पत्थर प्रेजेंट है, मीडियम साइज के पत्थर प्रेजेंट है और बहुत सारे उनके अंदर फाइन मिट्टी प्रेजेंट है, फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूँगा, साइज सेपरेशन प्रोसेस के जरिए उस मिक्सचर में से बड़े पत्थर को अलग कर सकता हूँ, छोटे छोटे पत्थर को अलग कर सकता हूँ, जो मीडियम साइज के पत्थर है उसे अलग कर सकता हूँ और जो मिट्टी है यानी कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं उन्हें मैं भी अलग कर सकता हूँ। सो ये पूरा का पूरा पॉसिबल होता है साइज सेपरेशन प्रोसेस के जरिए। सो होप आपको एग्जाम्पल के जरिए साइज सेपरेशन का जो डेफिनेशन है वो एकदम ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज सेपरेशन को देख लेते हैं। टू क्लासीफाई मटेरियल इन टू डिफरेंट साइजेस। सो पहला ऑब्जेक्टिव साइज सेपरेशन का ये होता है कि मटेरियल को उनके साइज के हिसाब से क्लासीफाई कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास डिफरेंट साइजेस के टैबलेट्स के मिक्सचर प्रेजेंट है तो मैं क्या करूँगा, इनमें से जो छोटे छोटे टैबलेट्स हैं उनको अलग कर दूंगा, जो बड़े बड़े टैबलेट हैं उनको अलग कर दूंगा और जो मीडियम साइज़ के टैबलेट्स हैं उनको भी अलग कर दूंगा। तो ये जो मैं अलग कर रहा हूँ अलग अलग टैबलेट को साइज़ के हिसाब से, तो यही होता है मेरा साइज सेपरेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्ट। टू प्रिपेयर ग्रैन्यूल्स ऑफ रिक्वायर्ड साइज। सो साइज सेपरेशन की वजह से मैं डिफरेंट डिफरेंट साइज के ग्रैन्यूल्स बना सकता हूँ, जैसे कि मैं छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बना सकता हूँ, मीडियम साइज के ग्रैन्यूल्स बना सकता हूँ, बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स बना सकता हूँ। मुझे जैसा ज़रूरत पड़ेगा ग्रैन्यूल्स का मैं वैसा वैसा ग्रैन्यूल साइज सेपरेशन प्रोसेस के जरिए बना सकता हूँ। टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म डोसेज फॉर्म। सो साइज सेपरेशन की वजह से हम एक यूनिफॉर्म डोसेज फॉर्म बना सकते हैं, यानी कि साइज सेपरेशन से हम कोई भी डोसेज फॉर्म को एक सरीका बना सकते हैं, एक जैसा दिखने जैसा बना सकते हैं, यानी कि जो भी डोसेज फॉर्म मेरे पास प्रेजेंट होगा उनके अंदर के जितने भी साइज होंगे वो एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि छोटे बड़े मीडियम साइज सब एक साथ मिक्स होंगे, जो भी डोसेज फॉर्म मेरे पास प्रेजेंट होगा वो यूनिफॉर्म होगा, उसके साइजेस पूरी तरह सेम होंगे। छोटे हैं डोसेज फॉर्म तो छोटे ही रहेंगे, अगर डोसेज फॉर्म के साइज बड़े हैं तो उनके अंदर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब के सब बड़े ही रहेंगे, अगर मीडियम है डोसेज फॉर्म के साइज तो वो पूरे के पूरे मीडियम ही रहेंगे। तो ये पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ साइज सेपरेशन की वजह से। टू सेपरेट अनडिजायरेबल पार्टिकल फ्रॉम अ मिक्सचर। साइज सेपरेशन की वजह से हम अनडिजायरेबल पार्टिकल को अलग कर सकते हैं, जैसे कि आपने घर पर देखा होगा जब हम घर पर चावल बनाते हैं तो चावल बनाने से पहले हम क्या करते हैं, चावल के अंदर से जो अनडिजायरेबल मटेरियल है यानी कि जो पत्थर होता है, जो कंकड़ होता है, उसे हम चावल से अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंकड़ हमारे लिए अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है, वो हमें नहीं चाहिए। तो साइज सेपरेशन के जरिए ही हम क्या करते हैं, उस पत्थर को चावल में से सेपरेट कर देते हैं। टू एनहांस परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ डोसेज फॉर्म। साइज सेपरेशन की वजह से हम किसी भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म का जो स्टेबिलिटी होता है एंड जो परफॉर्मेंस होता है उसे बढ़ाया जा सकता है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल। साइज सेपरेशन की वजह से हम किसी भी रॉ मटेरियल एंड ड्रग्स का जो क्वालिटी होता है उसे अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं और क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया देख लेते हैं। इंडियन फार्माकोपिया हैज सेट द स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पस। इंडियन फार्माकोपिया स्पेसिफाइड 5 ग्रेड्स ऑफ पाउडर।
सो इंडियन फार्माकोपिया ने फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए पाउडर के स्टैंडर्ड्स को सेट किया हुआ है और 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर को क्लासिफाई किया हुआ है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल। तो आगे के पार्ट पढ़ने से पहले हमें 2 पॉइंट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला होता है सीव और दूसरा होता है सीव नंबर। हालांकि ये दोनों पॉइंट को हम आगे जाके एकदम डिटेल में करने वाले हैं, सेपरेट टॉपिक है इनका, लेकिन अभी के लिए ये दोनों शॉर्ट में समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीव का मतलब होता है जाली, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे ये ऑलमोस्ट सबके घर पे प्रेजेंट होता है। तो आपने आप सभी ने देखा ही होगा अपने घर पे, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आज जाके देख लेना अपने घर पे। तो इसे बहुत लोग चालन बोलते हैं, बहुत लोग चलनी बोलते हैं, तो ये सबके घर पे प्रेजेंट होता है। बहुत लोग आटा चालने के लिए इसे यूज़ करते हैं, जो आटा होता है उसे सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और दूसरा होता है सीव नंबर। तो सीव नंबर क्या होता है कि बहुत सारे जो सीव्स होते हैं, जो जैसे कि ये जो चलनी होती है, इनके ऊपर अलग अलग नंबर प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। तो जैसे कि 10 नंबर का सीव, 14 नंबर का सीव, 44 नंबर का सीव, 85 नंबर का सीव, 120 नंबर वाला सीव, अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कि चश्मे के नंबर के हिसाब से चश्मा होता है, वैसे ही सेम सीव नंबर होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर में ये दोनों पॉइंट्स बार बार आने वाले हैं। इनको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आगे वाले पार्ट में, लेकिन अभी के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। सो फर्स्ट, कोर्स पाउडर, अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 10 एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू सीव नंबर 44 इज कॉल्ड एज कोर्स पाउडर। सो कोर्स पाउडर एक ऐसे टाइप का पाउडर होता है जो कि सीव नंबर 10 से 100% पास हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह पास हो जाते हैं, लेकिन सीव नंबर 44 से सिर्फ और सिर्फ 40% ही पास हो पाते हैं। अगर एग्जांपल से हम इसे समझे तो मान लीजिए अगर मेरे पास 100 ग्राम पाउडर प्रेजेंट है, 100 ग्राम कोर्स पाउडर प्रेजेंट है, तो ये 100 ग्राम कोर्स पाउडर सीव नंबर 10 से पूरी तरह पास हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे 100 ग्राम पाउडर को सीव नंबर 44 से पास करवाने का कोशिश करेंगे तो ये 100 ग्राम में से सिर्फ और सिर्फ 40 ग्राम यानी कि सिर्फ और सिर्फ 40% ही पास हो पाएगा, बाकी के 60% नहीं पास हो पाएंगे। तो ऐसे पाउडर को हम बोलते हैं कोर्स पाउडर। तो ये पाउडर को इसीलिए हम 10/44 के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट होता है मॉडरेटली कोर्स पाउडर, अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 22 एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू सीव नंबर 60 इज कॉल्ड एज मॉडरेटली कोर्स पाउडर। दिस पाउडर इज ऑल्सो कॉल्ड एज 22/60। सो मॉडरेटली कोर्स पाउडर एक ऐसे टाइप का पाउडर होता है जो पूरी तरह से सीव नंबर 22 से तो पास हो जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 40% ही पास हो पाता है सीव नंबर 60 से। जैसे कि हमने पहले देखा था कोर्स पाउडर में, वैसे ही सेम टू सेम मॉडरेटली कोर्स पाउडर भी है। इसके अंदर भी अगर हम 100 ग्राम ऑफ मॉडरेटली कोर्स पाउडर लेंगे तो ये जो 100 ग्राम ऑफ मॉडरेटली कोर्स पाउडर है ये सीव नंबर 22 से तो पूरी तरह पास हो जाएगा, लेकिन सीव नंबर 60 से सिर्फ और सिर्फ 40% ही पास हो पाएगा। और इस पाउडर को, मॉडरेटली कोर्स पाउडर को, हम 22/60 नाम से भी जानते हैं। थर्ड है मॉडरेटली फाइन पाउडर, अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 44 एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू सीव नंबर 85 इज कॉल्ड एज मॉडरेटली फाइन पाउडर। सो मॉडरेटली फाइन पाउडर ऐसा पाउडर होता है जो सीव नंबर 44 से पूरी तरह पास हो जाता है, लेकिन सिर्फ सीव नंबर 85 से सिर्फ और सिर्फ 40% ही पास हो पाता है। जैसे कि अगर हम 100 ग्राम ऑफ मॉडरेटली फाइन पाउडर लेंगे तो ये 100 ग्राम सीव नंबर 44 से पूरी तरह पास हो पाएगा, लेकिन अगर हम यही 100 ग्राम मॉडरेटली फाइन पाउडर को सीव नंबर 85 से पास करने को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 40 ग्राम यानी कि सिर्फ और सिर्फ 40% ही पास हो पाएगा, बाकी के 60% यानी कि 60% पास नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे पाउडर को हम बोलते हैं मॉडरेटली फाइन पाउडर, जिसे हम 44/85 भी बोलते हैं क्योंकि ये 44 से पूरी तरह पास हो पाता है और सीव नंबर 85 से सिर्फ और सिर्फ 40% ही पास हो पाता है। नेक्स्ट होता है फाइन पाउडर, अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 85 इज कॉल्ड एज फाइन पाउडर। सो ऐसा पाउडर जो सीव नंबर 85 से पूरी तरह पास हो जाए उसी को हम बोलते हैं फाइन पाउडर। नेक्स्ट है वेरी फाइन पाउडर, अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 120 इज कॉल्ड एज वेरी फाइन पाउडर। सो वेरी फाइन पाउडर ऐसा पाउडर होता है जो कि सीव नंबर 120 से पूरी तरह पास हो जाता है।
तो नेक्स्ट हमें देखना है साइक्लोन सेपरेटर। तो जैसा कि हमने प्रीवियस साइज रिडक्शन के लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट के हम चार पार्ट्स बहुत ज़रूरी होता है हमें पढ़ना। पहला होता है प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद वर्किंग एंड लास्ट में हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोन सेपरेटर को देख लेते हैं। इन साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड। द सेपरेशन डिपेंड अपॉन पार्टिकल साइज एंड ऑल्सो ऑन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। सो साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करता है, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वजह से ही सॉलिड फ्लूइड के अंदर से अलग हो जाता है। और ये जो सेपरेशन है ये पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड करता है एंड पार्टिकल के डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है फ्लूइड, इसका मतलब क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि फ्लूइड का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होता है, तो ऐसा नहीं है। फ्लूइड मतलब ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जो फ्लो हो सके, ऐसा मटेरियल जो बह सकता है उसे कोई हम बोलते हैं फ्लूइड। जैसे कि लिक्विड है, लिक्विड भी बह सकता है, फ्लो हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह पर। हवा को भी हम बोलते हैं, गैस को भी हम बोलते हैं। अगर गैस के अंदर छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स हो तो उसे भी हम फ्लूइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी तो हवा के साथ फ्लो हो रहा है ना, यहाँ से वहाँ। तो ये सबको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो हवा, गैस, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर लिक्विड, ये सबको हम फ्लूइड बोलते हैं। सब एग्जांपल होते हैं फ्लूइड के। तो नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं साइक्लोन सेपरेटर के। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल विथ अ कोनिकल बेस। सो साइक्लोन सेपरेटर के अंदर एक बहुत बड़ा सिलेंड्रिकल वेसल प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ये जो है ये इसे हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेसल। और ये सिलेंड्रिकल वेसल के नीचे आपको दिख रहा होगा एक कोनिकल बेस बना हुआ है, यानी कि ये जो बेस है ये कोन के जैसा बना हुआ है, कोनिकल शेप है। अपर पार्ट ऑफ वेसल कंसिस्ट ऑफ टेंजेंशियल इनलेट, अ फ्लूइड आउटलेट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन इन द सेंटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। सो आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे, एकदम ऊपर वाले हिस्से में, एकदम साइड में, यहाँ पर टेंजेंशियल इनलेट प्रेजेंट होता है। ये टेंजेंशियल इनलेट का बस एक ही काम होता है, जब भी जो भी मटेरियल का हमें साइज सेपरेशन करवाना होता है उस मटेरियल को हम ये टेंजेंशियल इनलेट के जरिए ही साइक्लोन सेपरेटर के अंदर डालते हैं। और ये जो ऊपर एकदम सेंटर वाले पार्ट में दिख रहा है आपको ये पाइप, इसे हम बोलते हैं फ्लूइड आउटलेट। जो भी फ्लूइड साइक्लोन सेपरेटर के अंदर सेपरेट हो जाता है वो फ्लूइड ये फ्लूइड आउटलेट के जरिए साइक्लोन सेपरेटर से बाहर निकल जाता है। सॉलिड आउटलेट इज फिटेड एट द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। जो भी सॉलिड मटेरियल होता है वो सॉलिड आउटलेट से साइक्लोन सेपरेटर से बाहर निकल जाता है। यहाँ जो कोनिकल बेस आपको दिख रहा है यहीं पर सॉलिड आउटलेट प्रेजेंट होता है। और ये सॉलिड आउटलेट का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, जितने भी सॉलिड मटेरियल जो फ्लूइड से सेपरेट हुए हैं वो सॉलिड आउटलेट से साइक्लोन सेपरेटर से बाहर निकल जाते हैं। साइक्लोन सेपरेटर आर ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। जो साइक्लोन सेपरेटर है ये डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में भी अवेलेबल होता है। सो नेक्स्ट हम वर्किंग देख लेते हैं साइक्लोन सेपरेटर का। द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस, यूजुअली एयर इज इंट्रोड्यूस टेंजेंशियली थ्रू टेंजेंशियल इनलेट एट वेरी हाई वेलोसिटी सो दैट रोटेटरी मूवमेंट टेक प्लेस विद इन द वेसल। द फ्लूइड इज रिमूव फ्रॉम द सेंट्रल फ्लूइड आउटलेट प्रेजेंट एट द टॉप पोजिशन ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। इफ एनी फाइन पार्टिकल इज प्रेजेंट देन दिस फाइन पार्टिकल इज ऑल्सो रिमूव विद द फ्लूइड फ्रॉम द फ्लूइड आउटलेट। द सॉलिड पार्टिकल आर थ्रोन टू द वॉल एंड फॉल टू द कोनिकल बेस ऑफ द सिलेंडर एंड कलेक्टेड थ्रू सॉलिड आउटलेट्स। सॉलिड एंड गैस का जो सस्पेंशन होता है, यानी कि सॉलिड एंड गैस का जो मिक्सचर होता है, वो हम साइक्लोन सेपरेटर में टेंजेंशियल इनलेट के थ्रू साइक्लोन सेपरेटर के अंदर डाल देते हैं। जब हम ये सस्पेंशन को डालते हैं तब हम इसे बहुत ही ज़्यादा हाई वेलोसिटी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड मेंटेन करके हम इस सस्पेंशन को साइक्लोन सेपरेटर के अंदर डालते हैं। सो इसका एक रीज़न होता है कि जब हम इस सस्पेंशन को साइक्लोन सेपरेटर के अंदर डालते हैं तब क्या होता है, इस साइक्लोन सेपरेटर के अंदर, ये मशीन के अंदर एक रोटेटरी मूवमेंट फॉर्म हो जाता है, एक बवंडर जैसा फॉर्म हो जाता है, एक साइक्लोन फॉर्म हो जाता है। और जब ये साइक्लोन फॉर्म होता है तो ये साइक्लोन के फॉर्म होने की वजह से जो सॉलिड पार्टिकल सस्पेंशन के अंदर प्रेजेंट है वो सॉलिड पार्टिकल दीवार से टकरा जाता है सिलेंडर के और नीचे बेस में आकर गिर जाता है और सॉलिड आउटलेट के वजह से साइक्लोन सेपरेटर से बाहर निकल जाता है। यानी कि जो सॉलिड
मटेरियल था सस्पेंशन के अंदर वो अब सेपरेट हो चुका है, और जो भी सॉलिड मटेरियल के अंदर जो गैस प्रेजेंट है, जो एयर प्रेजेंट होता है, यानी कि जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो फ्लूइड आउटलेट के वजह से वो फ्लूइड आउटलेट की यहाँ से बाहर निकल जाता है। अगर कोई फाइन पार्टिकल भी प्रेजेंट है तो ये फाइन पार्टिकल भी फ्लूइड के साथ, गैस के साथ फ्लूइड आउटलेट से बाहर निकल जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हवा चलता है तो हवा के अंदर बहुत सारे मिट्टी भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हवा के अंदर कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि बहुत बड़ा पत्थर मेरे सामने उड़ के आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो पत्थर होता है, यानी कि जो सॉलिड मटेरियल होता है जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, वो कभी भी हवा में नहीं उड़ सकता, वो नीचे का नीचे ही चले जाएगा। जैसा कि आपने ये वर्किंग में देखा कि जो सॉलिड मटेरियल था वो नीचे गिर गया और सॉलिड आउटलेट के जरिए साइक्लोन सेपरेटर से बाहर निकल गया, लेकिन जो फाइन पार्टिकल इसके अंदर जो प्रेजेंट था वो फ्लूइड के साथ क्या हुआ, फ्लूइड आउटलेट से बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि वो जो फाइन पार्टिकल होते हैं, इनका पार्टिकल साइज़ भी कम होता है, इनका डेंसिटी भी कम होता है, इनका वजन भी कम होता है, तो ये क्या होते हैं, फ्लूइड आउटलेट के जरिए फ्लूइड के साथ ही साइक्लोन सेपरेटर से बाहर निकल जाते हैं। और हमें क्या देखने मिलता है, जो हमारा सॉलिड मटेरियल जो कि बड़ा था वो भी सेपरेट हो चुका, और जो फाइन पार्टिकल्स था वो भी सेपरेट हो चुका। तो ये था वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन ऑफ साइक्लोन सेपरेटर को देख लेते हैं। साइक्लोन सेपरेटर इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस। सो साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ हम सॉलिड को अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई भी सॉलिड अगर गैस के अंदर प्रेजेंट है तो हम गैस के अंदर से उस सॉलिड को सेपरेट करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ करते हैं। साइक्लोन सेपरेटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर दी सेपरेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अगर कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है तो उस सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए भी, उस सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए भी हम साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर सेपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम कोर्स पार्टिकल। सो साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ हम किसी भी कोर्स पार्टिकल को और फाइन पार्टिकल को अलग अलग करने के लिए भी करते हैं। जैसा कि आपने अभी वर्किंग में देखा, ये वर्किंग में हमने यही देखा था कि सॉलिड पार्टिकल जो लार्ज था वो अलग हो गया एंड फाइन पार्टिकल जो एकदम स्मॉल था वो अलग हो गया। तो ये तो हम लोग ने देख लिया कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। नेक्स्ट हम सीव के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम डेफिनेशन ऑफ सीव को देख लेते हैं। सीव इज अ डिवाइस यूज फॉर सेपरेटिंग वांटेड मटेरियल फ्रॉम अनवांटेड मटेरियल। दे आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर साइज रिडक्शन। सो सीव एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा मशीन होता है जिसे हम वांटेड मटेरियल को अनवांटेड मटेरियल से सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है मशीन और बहुत ही वाइडली एंड बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है फार्मा इंडस्ट्रीज़ में और हमारे डेली लाइफ में। जैसे कि आपने ये सीव पिक्चर में देख रहे होंगे, आप ये सीव को, तो ये सीव आपने घर पर ज़रूर देखा होगा, सबके घर पर, ऑलमोस्ट सबके घर पर ये प्रेजेंट होता है। अगर नहीं देखा है अभी तक आपने तो घर पर आज देख लेना, आप अपने मम्मी से पूछ लेना कि चालन मतलब क्या होता है, चलनी मतलब क्या होता है। बहुत लोग इसे चालन बोलते हैं, बहुत लोग इसे चलनी बोलते हैं, तो इसी को हम इंग्लिश में, फार्मा के लैंग्वेज में हम इसे सीव बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ सीव्स फार्मा इंडस्ट्रीज में प्रेजेंट होते हैं। तो पहला होता है वोवेन वायर सीव, दूसरा होता है बोल्टिंग क्लोथ सीव, तीसरा होता है बार स्क्रीन सीव, और लास्ट वाला होता है पंच सीव। तो एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट है वोवेन वायर सीव। इट इज जनरल पर्पज सीव वाइडली यूज इन फार्मा प्रैक्टिस। सो वोवेन वायर सीव एकदम कॉमनली सीव होता है जिसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा वाइडली होता है और ये फार्मा प्रैक्टिस में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इसी को हम बोलते हैं वोवेन वायर सीव। नेक्स्ट होता है बोल्टिंग क्लोथ सीव। दिस सीव आर मेड अप ऑफ सिल्क, नायलोन एंड कॉटन। दिस सीव जनरली हैड माइक्रोमीटर ओपनिंग एंड दैट इज़ वाई दे आर यूज फॉर सेपरेशन ऑफ फाइन पाउडर। सो बोल्टिंग क्लोथ सीव जो होता है ये नायलोन, सिल्क एंड कॉटन से बना हुआ होता है। ये जो सीव होते हैं इनके अंदर माइक्रोमीटर ओपनिंग होता है, यानी कि जो इनके अंदर जो होल्स प्रेजेंट होते हैं सीव के अंदर, बहुत ही छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका साइज माइक्रोमीटर में होता है। इसीलिए हम ये सीव के वजह से जो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो हमें बरोबर से दिख भी नहीं सकते हमारे आँखों से, वो पार्टिकल को भी हम ये सीव के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है बार स्क्रीन सीव। दे आर मेड अप ऑफ मेटल बार्स अरेंज इन पैरेलल एंड क्रॉस बार्स। दे आर यूज्ड इन हैंडलिंग ऑफ हैवी मटेरियल्स।
बार स्क्रीन सीव ऐसा सीव होता है जो बड़े बड़े लार्ज लार्ज मटेरियल को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम बड़े मटेरियल को, लार्ज मटेरियल को अगर हम वुवेन वायर सीव से या फिर बोल्टिंग क्लॉथ सीव से अगर उसे सेपरेट करने का कोशिश करेंगे तो ये फट जाएगा या डैमेज हो जाएगा ये जो सीव है। क्यों? क्योंकि ये जो सीव है छोटे होते हैं साइज़ में और बहुत ही कमज़ोर होते हैं। मतलब कमज़ोर होने का मतलब ये इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते कि एक बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल मटेरियल को हैंडल कर सके। बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल मटेरियल को हैंडल करने के लिए एक नया सीव बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं बार स्क्रीन सीव, जो कि बड़े बड़े मेटल के बार से बना हुआ होता है। लास्ट होता है पंच्ड मेटल। दे आर मेड अप ऑफ स्क्रीन एंड द स्क्रीन इज मेड अप ऑफ शीट ऑफ मेटल एंड हैव डिफरेंट थिकनेस विद परफोरेटेड होल्स। द होल्स आर राउंड, ओवल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। पंच प्लेट ऐसे टाइप का सीव होता है जिसके अंदर स्क्रीन प्रेजेंट होता है और ये जो स्क्रीन है डिफरेंट डिफरेंट मेटल से बना हुआ होता है, जैसे कि ब्रास, फिर स्टील से बना हुआ हो सकता है, आयरन से बना हुआ हो सकता है, अलग अलग मेटल से बना हुआ होता है। इसके अंदर बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो होल्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होल्स होते हैं। या तो ये होल राउंड हो सकते हैं एकदम, ओवल हो सकते हैं एकदम, या फिर स्क्वायर शेप में हो सकते हैं एंड रेक्टेंगल शेप में भी ये होल हो सकते हैं। आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इसे हम बोलते हैं पंच प्लेट सीव। नेक्स्ट हम स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव को देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में। तो सीव्स यूज फॉर फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग मस्ट स्पेसिफाई द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। जो जो भी सीव्स हम फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए करते हैं, फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग के लिए जो सीव हम यूज़ करते हैं उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो वो स्टैंडर्ड्स होना एक पर्टिकुलर सीव में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन्हीं स्टैंडर्ड्स को हमें देखना है कि ये कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो स्टैंडर्ड्स को देखने से पहले आप दो पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि ये जो मैश होता है, ये जो वर्ड मैश होता है, मैश का मतलब होता है ओपनिंग, या फिर हमें इसे होल बोलते हैं या फिर हम इसे छेद भी बोलते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम में जो सीव है, ये सीव के अंदर जितने भी होल्स प्रेजेंट है ये एक एक होल को हम बोलते हैं मैश। ओके, और एक और पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर 2.54 सेंटीमीटर, ये जो 2.54 सेंटीमीटर को अगर हम इंच में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 इंच होता है, या फिर हम 2.5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 25.4 मिलीमीटर होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आने वाले जो स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव्स हैं इसके अंदर ये बार बार आपको देखने मिलेंगे। तो सबसे पहला हम स्टैंडर्ड देख लेते हैं, सीव नंबर। सीव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैश और ओपनिंग प्रेजेंट इन द लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर इन ईच ट्रांसफर डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर। सो सीव के 2.5 सेंटीमीटर के लेंथ में जितने मैश या जितने ओपनिंग्स आते हैं उसी को हम बोलते हैं सीव नंबर। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सीव है, अगर ये सीव का हम 1 इंच यानी कि हम 2.5 सेंटीमीटर को अगर हम निकाल के बाहर रख दें और ये 2.5 सेंटीमीटर में जितने ओपनिंग्स या फिर जितने होल्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं होल्स के हिसाब से हम ये सीव को नंबर दे देते हैं। अगर ये जो लेंथ है 2.54 सेंटीमीटर का, अगर ये लेंथ में 10 ओपनिंग प्रेजेंट है तो हम ये सीव को सीव नंबर 10 बोलेंगे। अगर ये लेंथ में, ये 2.54 सेंटीमीटर या फिर 1 इंच के लेंथ में अगर 40 ओपनिंग प्रेजेंट है तो हम ये सीव को बोल देंगे कि ये सीव नंबर 40 है। अगर ये लेंथ में 120 ओपनिंग प्रेजेंट है, 120 होल प्रेजेंट है या फिर 120 मैश प्रेजेंट है तो हम इस पर्टिकुलर सीव को 120 नंबर दे देंगे, यानी कि ये सीव नंबर 120 हो जाएगा। तो होप आपको ये सीव नंबर का जो डेफिनेशन है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम नॉमिनल साइज ऑफ अपार्चर को देख लेते हैं। नॉमिनल साइज ऑफ अपार्चर इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। द आईपी हैज गिवन द नॉमिनल मैश अपार्चर साइज फॉर द मेजॉरिटी ऑफ सीव इन मिलीमीटर और इन माइक्रोमीटर। ये जो सीव होता है ना, ये बहुत सारे मेटल वायर से बना हुआ होता है, तो इन वायर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं नॉमिनल साइज ऑफ अपार्चर। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये जो सीव है, ये सीव के जो ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये पैरेलल पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन और कुछ नहीं, ये वायर होता है। तो ये दो वायर के बीच के डिस्टेंस को ही हम नॉमिनल साइज ऑफ अपार्चर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर। वायर मैश सीव्स आर मेड फ्रॉम द वायर having specified diameter in order to give suitable aperture size and sufficient strength to avoid distortion of sieve।
अभी हमने देखा कि कैसे सीव वायर से बना हुआ होता है। तो ये जो वायर होते हैं इनका एक डायमीटर होता है, तो इसी डायमीटर को हम बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर। तो ये वाला स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ जितने भी वायर प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर सीव में, अगर वो वायर के डायमीटर मैच नहीं होते हैं एक दूसरे से, अगर अलग अलग होते हैं, तो क्या होता है पता है, वो सीव जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर एरर दिखाएगा, वो सीव अच्छा नहीं वो होगा, वो सीव को हम बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड सीव नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बेकार सीव है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वायर प्रेजेंट है उसके डायमीटर सेम नहीं है। नेक्स्ट हम अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया को देख लेते हैं। दिस स्टैंडर्ड एक्सप्रेसेस द एरिया ऑफ द मैस एज द परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सीव। ये स्टैंडर्ड सीव के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आप ये सीव के डायग्राम में देख रहे होंगे, अगर आप कभी भी सीव में से अगर कोई भी पाउडर पास करवाने का कोशिश करेंगे, तो ज़्यादातर जो पाउडर होता है, ये जो मिडल पार्ट होता है सीव का, ये मिडल पार्ट में से ही पास होएगा। आजू बाजू वाले पार्ट में से पाउडर पास नहीं हो पाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ना के बराबर पास होते हैं, लेकिन ज़्यादा करके जो पाउडर है वो बीच वाले हिस्से से ही पास होता है। तो जो हिस्से से पाउडर बहुत अच्छे तरीके से पास हो रहा है, उसी हिस्से को हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया। अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड होता है, और ये एरिया पूरे सीव का कम से कम 30-40% होना ही चाहिए। अगर 30-40% नहीं हुआ, तो वो जो सीव है वो सीव को हम स्टैंडर्ड सीव नहीं बोलेंगे, फिर उस वैसे सीव को हम यूज़ ही नहीं करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपार्चर टॉलरेंस एवरेज साइज। सम वेरिएशन इन द अपार्चर साइज इज अनअवॉइडेबल, एंड व्हेन दिस वेरिएशन इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज इट इज़ नोन एज अपार्चर टॉलरेंस एवरेज। सो कुछ वेरिएशन यानी कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं सीव के अंदर जो अनअवॉइडेबल होते हैं, जिन्हें हम चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, चाहे हम जितना भी अच्छा सीव बना लें, चाहे हम जितना भी अच्छा सीव खरीद लें। तो ऐसे ही वेरिएशन को, ऐसे ही अनअवॉइडेबल चेंजेस को ही हम बोलते हैं अपार्चर टॉलरेंस एवरेज साइज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और इस पीडीएफ नोट्स, इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है, या फिर पीडीएफ ओपन नहीं होता है, ऐसा कुछ अगर इशू होता है, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं तुरंत आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।